इस वक्त हमारे साथ है शिवसेना के स्टेट प्रेसिडेंट मनीष सहनी। मनीष सहनी जी, जो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, किस वजह पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आप क्या इनके फेवर में क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये इस समय सीमावर्ती इलाकों के बच्चे हैं जिनके साथ आज कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। ये लोग पिछले 3 सालों से अपने नौकरियों का इंतजार कर रहे थे, मगर अचानक इनके साथ विश्वासघात का एक अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाती है। देखिए, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को रोजगार की बौछार होगी, मगर वहीं प्रशासन के शायद कुछ नौकरशाही उन्हीं के दावों को खोखला साबित करने के अंदर जुटे हुए हैं। 2018 से अगर मैं कहानी शुरू करूं जो इन बच्चों की है, तो 2018 के अंदर जो हमारे उस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी जो PMO हाउस के मंत्री थे, इन के साथ जो स्थानीय लोग हैं इनके सीमावर्ती इलाकों से, इनके साथ वादा किया जाता है नौकरियों का, जिसको बहुत जल्द अमली जामा पहनाने के लिए एक बॉर्डर बटालियन फोर्स के गठन की घोषणा की जाती है। मार्च 2019 को एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है, इनसे आवेदन मांगे जाते हैं, ये बच्चे आवेदन करते हैं। 2700 पोस्ट होती हैं टोटल, 1350 जम्मू खिते से, 1350 कश्मीर से, जिसमें 675 मेल के लिए, 675 फीमेल्स के लिए। ये कम से कम 30,000 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर से आवेदन करते हैं, इनका फिजिकल टेस्ट ले लिया जाता है 1 साल के अंदर अंदर, फिर इनको एक लिखित आश्वासन दे दिया जाता है, क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे थे कि हमारा रिटर्न टेस्ट लिया जाए और भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। इनको लिखित में आश्वासन भी दिया जाता है कि बहुत जल्द 2021 के अंदर, अगस्त के अंदर, कि बहुत जल्द आपका लिखित एग्ज़ाम भी होगा। मगर नाइंसाफ़ी की कहानी उस दिन इनकी उजागर होती है जब यहाँ पर 11 जनवरी 2022 को एक नई अधिसूचना जारी कर दी जाती है, नए सिरे से आवेदन मांगे जाते हैं, इन बच्चों के साथ नए आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। तो हमारी मांग है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से, जिसके लिए हमने लिखित में उनको समय मांगा है, उनको रिक्वेस्ट भेजी है, उनके लिए मेमोरेंडम इन बच्चों के बिहाफ पर तैयार कर रखा है, इनकी मांग है कि जो नई अधिसूचना जारी की गई है उसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। पुराने जो वादे इनके साथ किए गए थे 2019 की अधिसूचना के तहत, पहले उस भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए, उसके बाद आपके पास नौकरियां हैं तो आप दूसरे लोगों को भी दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। शुक्रिया मनीष जी, ये थे शिवसेना के स्टेट प्रेसिडेंट जो KNS के साथ बात कर रहे थे।